ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिफ्थ मैथ्स का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने से पहले हमको पहले दो बातों का पता होना चाहिए, एक सेलिंग प्राइस, दूसरा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कोई सामान किसी को हम कितने रुपये में बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है, और कॉस्ट प्राइस मतलब किसको हम किसी कोई सामान कितने रेट में हम लोग खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी चीज़ को 500 रुपीज़ में लिया और 600 में बेच दिया, तो जो हमारा 500 रुपीज़ है वो उसका कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस क्या है, हमारा 600 रुपीज़ है। ठीक है, अब इसमें दो केसेस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स हमको कुछ पैसे की अर्निंग होगी, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे हमको या रुपए मिलेंगे, जो भी मिलेंगे, और सेकंड कुछ लॉस होगा, हमको कुछ घाटा होगा, तो उसको हम लॉस कहेंगे। तब ये दोनों केस डिपेंड कैसे करते हैं, ये केस डिपेंड करते हैं कि हमारे पास कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, SP ज़्यादा है या CP ज़्यादा है। इन दोनों पे डिपेंड करता है कि हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो पहला केस हमारा SP अगर ज़्यादा होता है, जब SP ज़्यादा होता है तो हमको प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि हमने कोई सामान कम रेट में खरीद के किसी को ज़्यादा रेट पे बेचा है। जैसे हमने कोई सामान लिया 600 रुपये या 600 रुपीज़ में, उसको 700 रुपीज़ में हमने बेच दिया, तो वो हमको प्रॉफिट का केस है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसलिए हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, जब प्रॉफिट होगा तो हमको उस प्रॉफिट अमाउंट को निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, चलो फर्स्ट केस से हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। SP इज इक्वल टू ₹600 एंड CP इज इक्वल टू ₹500। अब देखिए, फर्स्ट केस क्या था हमारा कि SP इज ग्रेटर देन CP, SP ज़्यादा है CP से। जब SP ज़्यादा होता है हमको, हम क्या करते हैं, हमको प्रॉफिट होगा, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP माइनस CP क्यों? क्योंकि हमने उसे बेचा ज़्यादा में है और ख़रीदा कम में, तो हम जब फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP मीन्स दैट 600 माइनस 500, तो हमको प्रॉफिट कितने रुपये का होगा, 100 रुपीज़ का। ओके, इसका सेकंड केस ले सकते हैं। सेकंड केस में क्या होगा तुम्हारा, हाँ सेकंड केस क्या है हमारा, SP ग्रेटर CP ग्रेटर है। CP ग्रेटर मतलब हमने कोई चीज़ को खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में है। जब हम किस चीज़ को खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में, तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। जब हमको लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में हमने खरीदा है, और SP मतलब सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा है। इफ CP इज इक्वल टू 1000 रुपीज एंड SP इज इक्वल टू 900 रुपीज, तो इस केस में क्या देख रहे हो, हमको हमने खरीदा ज़्यादा में है और बेच कितने रुपए में, 900 में, तो विच इज ग्रेटर, CP इज ग्रेटर, तो केस कौन सा है, लॉस का। तो लॉस का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो इस केस में हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इस चीज को खरीदा ज्यादा था और बेचा कम कीमत था। इसके साथ मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको कर लेना। और कल के क्लास में एक बच्ची ने मुझे रिप्लाई किया, सिर्फ गीतिका ने, तो आप सब सिंसियर रहो उस क्लासेस के लिए, और जो भी कहा जाता है उसको प्रॉपरली करो, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब मैं मिलूँ, क्लासेस शुरू हूँ प्रॉपर स्कूल में, तो मैं उसका टेस्ट लूँगा, तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। ओके, टेक योर होमवर्क।